हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का मैच होने वाला है कस्टम रूम 1v1 विशु और एक लपू झंडू है एक बंदा उसके बीच में। तो यहाँ हम विशु भाई को बोलते हैं भाई इसको 0 पे पैक करना। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। और यहाँ पे बूकोंग बन गया वो लपू, ठीक है। और विशु यहाँ पे अपनी टीपी पी लेते हुए और वन टैप का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखते हैं भाई क्या होता है। यहाँ पे मारा और ग्लू बॉल लगा लिया। विशु का तले बेटा मार मेरे को है दम दो। अरे 474 का पड़ गया ईगल का हेडशॉट। और यहाँ पे विशु हमारे हंसते हुए और हम कहते हैं विशु भाई स्मार्ट नीचे से आ रहा है, स्मार्टी वाइटी, ठीक है तो नीचे से जाओ। बीच बोलते कोई नहीं, इस बार देखते हैं कैसे हेड मारता हूँ उसको मैं। इस साले को तो बोलता है 0 पे पैक करूँगा। ये मारा ये मारा भाई, थोड़ी सी खोपड़ी नहीं दिखा रहा है। बीच बोलता ला तू मार। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा दिखाता तो भाई, लेकिन भाई लगता नहीं, कनेक्ट नहीं होता। और यहाँ पे बीच को थोड़ा सा डैमेज दे देता है बंदा। बोकोंग लेके आया हुआ भाई ये लड़का, ये ले बेटे बाप से पंगा लेगा। विशु बोलता है भाई जहाँ पे मूली नहीं जाती ना वहाँ पे हम नींबू घुसोड़ देते हैं। जहाँ पे नींबू नहीं जाता वहाँ पे मूली घुसोड़ देते हैं। पिंचू समझता क्या, ये ले बेटे मौज करती। और विशु यहाँ पे हा, हमको चैलेंज करता है बोलते हैं। और बंदे को फिनिश। और यहाँ 0-3 की बढ़त यहाँ पे हमारे विशु ठाकुर बना चुके हैं। भाई दूसरा तो ऐसे नुबड़ा प्लेयर है, खुद को बहुत प्रो मानता है, इसलिए मैंने उसका मैच इससे करवा दिया। तो आज तो ये है भाई साहब ओपी ओपी इन द चैट ब्रो, क्या यार शॉट मारे भाई, रेड ओनली रेड ही दिखा, ओनली रेड। समझ सकते हो विशु को भाई चैलेंज बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, जो चैलेंज करता है वो मरता है इसके हाथों से। आज तो इसने प्रॉमिस कर दिया भाई 0 पे पैक करके रखेगा आगे वाले को। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं हमारे विशु ठाकुर। 23 हजार खेले भाई, 31 हजार, 31 हजार, वो समझो ना 31 हजार वही गेम। और यहाँ पे आ चुके हैं दोनों एक बार फिर से आमने सामने। विशु कहता बैठते मैं तो बिल्कुल ओपन में खड़ा हूँ, दम है तो मार ले। भाई साहब क्या ही मारेगा ये बंदा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरे को लगता है, ये 0 पे ही पैक रहेगा। ये देखो स्मार्ट एक के छुपा हुआ है बिल्कुल, इसको पता है कि भाई मारता है तो सीधे हेड ही मारता है, ओनली हेड। और यहाँ पे उन्होंने अपने आप को अंदर घेरे में बंद कर लिया और वो बुकोंग बना हुआ था भाई। बुकोंग से बचने का यही तरीका है, उसका टाइम ख़त्म करो बस, जब तक उसका टाइम ख़त्म नहीं होता तब तक छुपे रहो। विशु भाई काफ़ी अच्छी रणनीति लगा रहा है भाई, जैसे इस बार मुंडी दिखाएगा मेरे को लगता है ये जाएगा। और ये भाई मुंडी तो दिखा दे, कब से सामने खड़ा है लड़का। ये देखो ओपन में खड़ा हुआ है विशु ठाकुर, फिर भी ये गोली नहीं मार रहा। और फिर ऊपर से चैलेंज करता है कि भाई 1v1 खेलेगा तो विशु के साथ। भाई मारा विशु कोई घटिया प्लेयर थोड़ा ना है, तो उसको चैलेंज कर रहा था। बहुत मार खाएगा भाई, बहुत पिटेगा तू, इस बार अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा कभी। बच गया, कोई बात नहीं, नहीं बचेगा इस बार तो तेरे को। ओ भाई आ गया। और ये देखो क्या ही बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया, बोलता है लो मारो मेरे से नहीं मरते तुम। और ये भाई देख सकते हैं आप 5 राउंड कंटिन्यू जीत गया विशु। उस बंदे को मेरे को लगता है डैमेज 1000 तक भी नहीं पहुंचा होगा, बड़ी मुश्किल से 600-700 तक होगा, क्योंकि उसने गोली नहीं मारी है, उसके कनेक्ट ही नहीं होते शॉट। ये देखो कैसे सामने बैठा है, फिर भी डर रहा है वो, फिर भी डर रहा है। बाप से पंगा नहीं लेने का बेटे, अब तो गया। विश्व बोलता है अब तो इसको निकलते मैं एक झटका दूंगा बहुत प्यारा।
मिल गया ना झटका, क्यों बेटे दे दिया ना झटका। अब नेक्स्ट राउंड बिल्कुल मतलब लास्ट राउंड है, कतई जहर होने वाला। देखते हैं 0 पे पैक हो जाता है वो बंदा या नहीं हो पाता। लेकिन भाई भी शुआ है, वही कर देगा, मेरे को पता है, उसने बोला है तो करेगा करेगा करेगा, जरूर करेगा। ओ भाई क्या उछल कूद मचा रहा है भाई, थोड़ा सा तो बंदे को मौका दे। बस जी बस जी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना यार। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिए भाई हमको। और यहाँ पे हमारा विश्व 7 तो जीत ही चुका है, 7 राउंड, और उसका डैमेज देखते हैं। चलो मेरे को लगता है भाई उसका 1000 से अपनी हुआ होगा, 826। भाई दोबारा चैलेंज मत करना, बाय।